बिहार सरकार का बड़ा फैसला, जल्द ही स्कूलों में 6020 पदों पर होगी पीटी टीचर की भर्ती। तैयारी शुरू हो गई है। बिहार के मिडिल स्कूलों में जल्द ही अब पीटी टीचरों की बहाली शुरू होने वाली है। राज्य में 6020 पदों पर पीटी टीचरों की बहाली की जाएगी। इसको लेकर सभी जिलों से खाली पड़े सीटों की लिस्ट मांग ली गई है। इस लिस्ट के आ जाने के बाद जल्द ही वैकेंसी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि यह वैकेंसी शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशकों के पदों पर होगी। दरअसल बिहार सरकार ने राज्य के सभी मिडिल स्कूलों में पीटी टीचरों की बहाली को लेकर काफी अलर्ट मोड पर काम कर रही है। राज्य के अंदर पिछले दिनों ही इसके लिए 8386 पदों के लिए चयन प्रक्रिया में 3500 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे, लेकिन इनमें मात्र 2367 की नियुक्ति की गई है। 1134 अभ्यर्थी शेष रह गए थे। अब इस बहाली प्रक्रिया में इन लोगों को मौका दिया जाएगा। इससे पहले की बहाली में राज्य के सीमावर्ती जिलों में शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति हो गई है, लेकिन बड़ी संख्या में जिलों में यह पद रिक्त ही रह गया है, जिसके बाद अब सरकार नए सिरे से शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति की योजना पर काम कर रही है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश पर सभी जिलों में रिक्त पदों की तलाश शुरू की है, और ऐसे में 6020 पदों की जानकारी निकल कर सामने आई है। इनमें 13 अलग अलग पदों की पहचान की गई है। इसके तहत राज्य के मिडिल स्कूलों में शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक पीटी टीचर के पद पर बहाली लेने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर पूर्वी चंपारण में 344 पद खाली हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 281 पद और गया में 255, मधुबनी में 240, समस्तीपुर में 232, वैशाली में 226, सीतामढ़ी में 221, पटना में 211, दरभंगा और पूर्णिया में 205 पद खाली पड़े हुए हैं। अब इसके अलावा अन्य जिलों में भी खाली पड़े पदों की जानकारी ली गई है। आपको बताते चले कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग लगातार टीचरों की भर्ती को लेकर काम कर रही है। पिछले दिनों ही शिक्षा मंत्री ने बयान देते हुए कहा था कि यह साल रोजगार का साल रहने वाला है। इसी को लेकर अब राज्य ने ये फैसला किया है कि शिक्षा विभाग में जल्द ही टीचरों की खाली पड़े पदों पर बहाली की जाएगी। तो आपको बता दें कि साल 2023 रोजगार के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि शिक्षकों के लिए भी अच्छा मौका है, क्योंकि जितने भी जगह खाली पद हैं उसको अब भरे जाएंगे। टीचरों की नियुक्ति अलग अलग जिले के लिए कर दी जाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।